हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। ये जो कैलकुलस टॉपिक है ये बेसिकली आपको हेल्प करता है फिजिक्स पढ़ने में। ये जो कैलकुलस टॉपिक है ये आपका क्लास 12 के मैथ्स में पढ़ना होता है, बट इसकी जरूरत आपको फिजिक्स में पहले ही आती है, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलस जो मेरे काम का है जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है डिफ्रेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस करना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। ये एक नया टाइप का मैथमेटिक्स है जो बेसिकली आपके जो न्यूटन है उनके थ्रू स्टार्ट किया गया था, और इसमें दो पार्ट होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक, नॉर्मली जो आपका कैलकुलस है जैसा मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंशिएशन जो होता है ये इंटरेस्ट रेट किसी फंक्शन का कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। जैसा मतलब इट इज बेसिकली यूज टू कैलकुलेट व्हाट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए फंक्शन, है ना। टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द फंक्शन फर्स्ट, एंड टू नो द फंक्शन यू नीड टू नो द कॉन्स्टेंट एंड द वेरिएबल थिंग्स। तो एक चीज पहले मैं बता देता हूँ आपको, वो है कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो है इट इज यूज टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए फंक्शन। ओके, दो बातें आपको यहाँ जाननी पड़ेगी। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एक ऐसा थिंग जो कि चेंज नहीं करता। जैसे जो डिजिट्स होते हैं नॉर्मली 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं। 1 ही रहता है, 2 कभी नहीं हो सकता, 2 ही रहता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज। दूसरा एक हम बात करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली वैरी करती है, जैसे मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, एसेट्रा, ये हमेशा चेंज करता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक, अब एक मैं आपको चीज बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पढ़ने के पहले, उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे मैंने मान लो एक्स इक्वल टू लिख दिया टी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर में टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि टी की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं तो उसके लिए देखो आप कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी, ये टी है और ये एक्स है। मान लो टी की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। टी की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, यहाँ 1 लिया तो एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी। टी की वैल्यू 2 पे एक्स की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 3 पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। ठीक, तो इसका मतलब है जो हमने अभी बात किया x इक्वल टू टी स्क्वायर, पहला नंबर बात, ये जो है t ये इंडिपेंडेंटली वैल्यू कर रहा है, यानी t की अलग अलग वैल्यू पे x की वैल्यू अलग अलग होगी। तो t की वैल्यू तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन t की वैल्यू पे चूंकि x डिपेंड कर रहा है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये इंडिपेंडेंटली वैल्यू करता है, इसलिए बोले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई वेरिएबल? बिकॉज इट्स वैल्यू कैन वैरी, while x depends on the value of t, that's why it's called dependent variable. Dependent variable. और x को लिखेंगे हम as a function of time, और इसको पढ़ेंगे x as a function of time. Function of time. और भी ढेर सारे examples हो सकते हैं, like मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये देखो ये t जो है अलग अलग t के लिए x की अलग अलग वैल्यू होगी, तो यहाँ जो t है दैट इज व्हाट वी कॉल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैं शॉर्ट टर्म में id लिख रहा हूँ, और x जो है इसको लिख रहा हूँ मैं dv। dv का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, आप ऐसे अगेन बना सकते हो कि अलग अलग t के लिए अलग अलग x हो। मान लो टी की वैल्यू है 0 तो एक्स की वैल्यू होगी 1, टी की वैल्यू 2 तो एक्स की वैल्यू 7, टी की वैल्यू 3 13 हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए, सॉरी टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यू है। इसका सिंपल मतलब है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट टाइम। ठीक, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ हो आपसे आपके पास कि x इक्वल टू सपोज करो t स्क्वायर, जहां
यूनिट के साथ दे देता हूँ। टी जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है सेकेंड्स में, और एस को रिप्रेजेंट किया गया है सपोज करो मीटर में। ओके, तो इसका मतलब होगा कि जो टी है किसको बोलेंगे अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एस को बोलेंगे बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, और एस जो है वो क्या है फंक्शन ऑफ टाइम, एंड एक्स की वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना होता है फंक्शन है ना, और जब फंक्शन समझ गए तो अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक, अब डिफरेंशिएशन को समझने के पहले सबसे पहले हम बात करेंगे रेट्स का। रेट्स जो होता है आप देखो फिजिक्स में हर चीज रेट होता है, जैसे आप डिस्टेंस का बात करते हो तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड का बात करते हो तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां आप जानते हो डिफाइन होता है वेलोसिटी। ठीक, एक्सेलरेशन यानी अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब रेट, रेट दो तरीके का होता है, एक रेट को बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट। ठीक, एवरेज रेट का मतलब होता है मान लो आपके पास वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया कि आपके पास केस क्या है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप लिखोगे एवरेज रेट होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको आप लिख सकते हो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज व्हाट द एवरेज रेट। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। और बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट होता है अभी आप देखेंगे जब कैलकुलस अभी जैसे जैसे क्लास आगे प्रोग्रेस करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट होता है बच्चों ये जो एवरेज रेट है अगर मैं उसका लिमिटिंग वैल्यू ले लू यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो ले लू तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होगा दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस रेट। So in physics rate is very important. So first we need to know each and everything about the rate. Okay? अब देखो जो normal mathematics होता था, normal mathematicians जो थे वो average rate बहुत आसानी के साथ calculate कर लेते थे, है ना? But उनके साथ दिक्कत क्या है कि जब वो किसी instant पे average rate उन्होंने calculate करना चाहा तो ऐसे केस में उनकी mathematics fail हो गई और बहुत साल तक वो hang रहे। इसी चीज को clear किया, इस doubt को clear किया न्यूटन ने थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, और ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए उन्होंने एक नया मैथमेटिक्स पूरा डिस्कवर किया जिसका नाम है कैलकुलस, और कैलकुलस में उन्होंने डिफरेंशिएशन के थ्रू इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक, तो आइए देखने चलते हैं एवरेज रेट। सबसे पहले समझो आप एवरेज रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब बात आती है अगर एवरेज रेट की, है ना, तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था एवरेज रेट जो होगा मान लो आपके पास वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप जो वाई की एवरेज वैल्यू लिखोगे या एवरेज रेट लिखोगे तो एवरेज रेट होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी को हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन। एवरेज रेट निकालने के लिए इंटरवल शुड बी वेल डिफाइंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एवरेज रेट, एवरेज रेट इंटरवल शुड बी वेल डिफाइंड, इंटरवल शुड बी वेल डिफाइंड। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इंटरवल इंटरवल नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं मान लो सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एस इक्वल्स टू मैंने बोला टी एस स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्लियर ही है कि एस क्या है, यहां टाइम का फंक्शन है और सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, मैंने मान लो यहां टी को सेकेंड्स में दे दिया और एस जो है इसको मैंने मीटर में ले लिया। ठीक,
और आपसे बोल रहा हूं फाइन दी एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के लिए इंटरवल आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लो मैंने t=1 से t=2 के लिए बोला आपको कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा मैं बोल रहा हूँ t=2 से लेकर t=3 के बीच, थर्ड में बोल रहा हूँ t=1 से लेकर t=4 के बीच में आप कैलकुलेट करो। फिलहाल ये तीन देखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे इसमें गड़बड़ी हो पाती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन इज s=t²। s मीटर में है और t सेकेंड्स में है, तो एवरेज रेट जो यहां कैलकुलेट करोगे है ना, वो क्या आएगा, स्पीड आएगा। यानी कि आपसे एक्चुअली एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है, ये इंटरवल्स है उनमें, ठीक। तो एवरेज स्पीड जो होगा यहाँ पे, दैट वुड बी सिंपली व्हाट सर, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और ये होगा s2 - s1 / t2 - t1। s2 का मतलब दो नहीं है यहाँ, s2 इज द फाइनल लोकेशन, s1 इज द इनिशियल लोकेशन, t2 इज द फाइनल टाइम एंड T1 is the initial time. So this is what average speed. तो सबसे पहले तो वो बना लो बॉक्स, ये देखो टाइम और ये एस जो वैल्यू थे पहले वो ले लेते हैं। पहले t=0 पे s की वैल्यू 0 होती, t की वैल्यू 1 पे s1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 60। ओके, अब आप ध्यान दो कि पहले वाले केस में क्या बोला गया आपको, एवरेज स्पीड कैलकुलेशन करना है कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेकर 2 के लिए। तो दिस इज s2 - s1 / t2 - t1। s2 बच्चों कितना है, 2 पे देखो कितना है, 4 है, यानी 4 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है, 1 पे 1 है, 1 सेकेंड पे 1 आ रहा है, तो 1 / t2 कितना, 2 - 1, तो ये आ रहा है 3। और यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड, बिकॉज एस को मैंने मीटर में दिया है और टी को इसमें टाइम को सेकंड में दिया है, सो इट्स 3 मीटर पर सेकंड। दूसरा मैंने बोला एवरेज स्पीड आप निकालो कहां से कहां तक के लिए, 2 से 3 के लिए, तो ये हो गया s3 - s2 / t3 - t2। s3 इज हाउ मच, s3 9, s2 कितना 4 / 3 - 2, सो दिस इज हाउ मच, 5 मीटर पर सेकंड। थर्ड वन, एवरेज स्पीड निकालना है कहां से कहां के बीच में, 1 to 4, यानी कि s4 - s1 / t4 - t1। s4 16 है, s1 कितना है, 1 है, और ये 4 - 1, ये कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। सारे वैल्यूज आपको मिलते जा रहे हैं, मतलब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट अगर मैं फोर्थ में आपसे पूछ लूं कि एवरेज स्पीड, 3 तक तो आपने निकाल लिया, 3 तक अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड बताओ कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेकर 1 के बीच में आप कैलकुलेट करो, अब देखो दिक्कत क्या आएगी। और यही पे कॉन्सेप्ट आएगा इंस्टेंटेनियस रेट और कैलकुलस का, फिर खेल समझ में आएगा। एवरेज स्पीड 1 to 1, इसका मतलब s1 - s1 / t1 - t1 1 - 1 / 1 - 1, दैट इज 0/0, which is what? Undefined. Shocking. इससे पहले अगर इंटरवल दिया हुआ था जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 whatever, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिलता जा रहा था। यहां देखो 3 मीटर पर सेकंड, यहां पे कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे कितना 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 से 1 का मतलब 1 पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर गेटिंग व्हाट, अनडिफाइंड टर्म। It means there is some problem in this
way to calculate the added value. And added value actually fails to calculate the average speed of this particular function at t equals to 1 second. So there is some alternative method. है ना, और उसी को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि वन पे फेल कर गया है, लेकिन अगर मैं फिफ्थ केस में पूछूं आपसे कि एवरेज स्पीड निकालो वन के क्लोज, क्लोज का मतलब मान लो 1.1 से लेकर के मैं बोलूं 1 सेकंड के बीच में कैलकुलेट करो क्या होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो और शॉकिंग होगा कि एवरेज स्पीड बच्चों 1.1 से 1 सेकंड के बीच में आएगा S1.1 माइनस S1 अपॉन T1.1 माइनस T1। ये आएगा 1.1, अगर आप डालोगे तो कितना आएगा, 1.1 पे 1.21 है, तो इसका मतलब 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 सॉल्व करोगे 2.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक पे डिफाइन नहीं है बट एक के क्लोज डिफाइन, एक के क्लोज का मतलब 1.1 इज वेरी क्लोज टू 1 बट इट्स नॉट डिफाइंड, एवरेज वैल्यू इज नॉट डिफाइंड फॉर 1 सेकंड। आप एक काम कर सकते हो, आप किसी दूसरे इससे भी छोटे वैल्यू के लिए निकालो, इससे छोटे इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है 1 सपोज करो 0.1 से लेके 1 के बीच में, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एस 1.01 माइनस S1 अपॉन T1.01 माइनस T1, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट व्हाट, अ फाइनाइट वैल्यू। इसका सिंपल मतलब है बच्चों कि एक यहां से आपको एक अनोखी बात पता लग रही है कि जो ओल्ड जो मैथमेटिक्स था, ओल्ड वे टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू इज एक्चुअली गेटिंग फेल टू कैलकुलेट व्हाट द एवरेज वैल्यू फॉर इंस्टेंट, दैट्स व्हाई है ना कैलकुलस चेंज। और अब इसको आप ध्यान से अगर देखो गया तो अगर ये जो मैंने बोला वन पे नहीं डिफाइन है, वन के क्लोज डिफाइन है, तो इसका मतलब अगर सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एवरेज वैल्यू अभी देखा हमने क्या था, एवरेज वैल्यू या एवरेज रेट फॉर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लूं, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना, तो ये बन जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स, और इसी को बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। तो अगर एवरेज वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू ले लिया मैंने तो मुझे क्या मिला, इंस्टेंटेनियस रेट मिला, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसका मतलब यहां जो डीवाई अपॉन डी एक्स है ये है बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बोलूं कि एस का वेरिएशन टी के साथ था तो मुझे क्या मिल रहा था, एवरेज स्पीड मिल रहा था, अब मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड v instant equals to ds upon dt, ये आपको मिला इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये एक नया चीज हो गया, नया मैथमेटिक्स है ना, और अब इसकी पूरी डिटेल आपको जो है ना वो अभी बताता हूं। क्वेश्चन लेते हैं s equals to ts पर, s equals to है आपका ts 3ds पर, s equals to है 3ds पर, आपसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इसका मतलब आपको दे रखा है एस इक्वल्स टू 3t2, ये गिवन है, ओके। और जैसा मैं आपको बताया था, मैंने पूछा है आपसे ये चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर थ्री टी इक्वल टू 3 सेकेंड, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है आपसे, है ना। अगर मान लो आपको एस यहां मीटर में दे रखा हो, मीटर में,
और टाइम बच्चों आपको सेकंड में दे रखा है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। अब देखो अगर मैं इसको कन्वेंस कर जो न्यूटन साहब का एक्चुअल वे था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जाए तो एस और टी यानी एस एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट टाइम, तो अगर मैं टाइम में बिल्कुल छोटा चेंज करूं टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी का बात करता हूं, मैं डेल्टा टी इतना छोटा है एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइम टी। सिमिलरली इफ देयर इज सम व्हाट चेंज इन एस फ्रॉम एस टू डेल्टा एस इन विच डेल्टा इज एस इज सो स्मॉल दैट एक्चुअली आई एम कंसर्न्ड अबाउट एस। ओके तो अगर मैं ये चेंजेस कर दूं यहां कि मैं लिखूं एस प्लस डेल्टा एस इक्वल्स टू फिर क्या लिखूंगा 3t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, अब इसको खोल दो आप क्या आएगा 3 इंटू ये कितना होगा टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 6t इंटू डेल्टा टी। ठीक अब ध्यान से देखो ये क्या है s प्लस डेल्टा s, बच्चों ध्यान से आप देखो तो ये दो टर्म कट जाएंगे, कौन कौन दो टर्म कट जाएंगे क्योंकि s इक्वल टू 3t स्क्वायर है तो s और डेल्टा t कट जाएगा तो क्या बचेगा डेल्टा s इक्वल टू है ना 3 इंटू डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा t, और चूंकि तुमसे ये मैंने डेल्टा s कैलकुलेट किया डेल्टा s मतलब डेल्टा s में चेंज कितना है वो इतना है, अब मैं इसको टाइम से अगर डिवाइड कर दूं तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा t प्लस 6t। ओके और अब अगर हम बात करते हैं जैसा अभी हमने बात किया कि चूंकि मुझे ये एवरेज रेट मिला दिस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, देखो इट्स अ कन्वेंशनल वे दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट बट एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये लंबा मेथड है और देखो शॉर्ट ट्रिक कितना आसानी से आपको पता लगेगा। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कितना है 3 इंटू डेल्टा t प्लस कितना 6 इंटू t है, दिस इज व्हाट द एवरेज रेट, लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू लेंगे यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा t की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो गया यानी 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू t सो इट्स व्हाट 6 इंटू t, और क्या ये जो चीज है इसी को ds अपॉन dt बोलते हैं और यही क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ यानी कि ये v इंस्टेंट हुआ दिस इज 6 इंटू t। अब आपसे कितने तक पूछा, अब चूंकि t की वैल्यू दे रखी है 3 सेकेंड तो 3 सेकेंड का मतलब जो इंस्टेंटेनियस होगी वैल्यू दैट इज 6 इंटू t, t की वैल्यू 3 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड आंसर है ना। तो इतना पापड़ बेलना पड़ा लेकिन अब आप देखो इसको कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, सेम प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या था आपका एस इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक जहां s क्या दे रखा है मीटर में और टाइम क्या दे रखा है बच्चों सेकेंड्स में है ना, आपसे पूछा है मान लो वी इंस्टेंट का मतलब स्पीड का बात कर रहा हूं क्या होगा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक अब इसको क्या करना आपको सॉल्व करना थ्रू कैलकुलस यानी कि v इंस्टेंट का मतलब सर आप सिंपली ds अपॉन dt बोल रहे हो है ना, ये कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए यहां छोड़ दो, अब मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक रूल समझाता हूं। मान लो ये रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के ढेर सारे रूल्स हैं, उनमें से पहला रूल है कि अगर मान लो आपके पास y इक्वल टू x टू दी पावर n है जहां n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है जहां n जो है वो कुछ भी हो सकता है n इक्वल टू 1 2 3 4 वट एवर, तो dy अपॉन dx जो होगा बच्चों वो होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, रिमेंबर दिस फॉर्मूला समझा रहा हूं, इफ यू हैव गिवन y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज y इक्वल टू x टू दी पावर n वेयर n कैन वेरी फ्रॉम 1 up to 1 2 3 4 5 etc. तो dy upon dx यानी differentiation of y with respect to x terms out to be ये n product में आ जाएगा, ये n जो था ना ये यहाँ product में आ जाएगा
और x टू दी पावर n माइनस वन और एक पावर में से घट जाएगा, वन घट जाएगा पावर में से। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx कितना हो गया, टू इंटू एक्स एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यानी कि टू माइनस वन, ये टू प्रोडक्ट में आ गया और इसमें से एक घट गया तो टू एक्स। मान लो मैंने बोला आपको कि y इक्वल टू है t स्क्वायर, सपोज करो t क्यूब है, तो dy अपॉन dt, ध्यान रखना यहां y का वेरिएशन x t के साथ है, तो dy अपॉन dt होगा, dy अपॉन dx नहीं होगा, और ये कितना होगा, थ्री इंटू टी, एक घट गया पावर में से, ये प्रोडक्ट में आ गया और एक पावर में से घट गया, तो थ्री टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो जब ये आप सीख गए तो यहां आपको क्या दे रखा है, यहां आपको दे रखा है s इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर। v इंस्टेंट पूछ रहा है, यानी ds अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन करना कितना है, यानी d अपॉन dt ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करना है 3t स्क्वायर, 3 तो कांस्टेंट है, इसका लेना देना नहीं है, तो इसको बाहर कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, भी रूल 2 वही था, कि कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dt ऑफ व्हाट, t स्क्वायर, ये 3 हो गया और ये t स्क्वायर का कितना हो गया, t स्क्वायर का हो गया 2 इनटू t, 2 का पावर 2 का t का पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 6। अब देखो इतना लंबा चौड़ा करने की आपको जरूरत नहीं थी, आपने बहुत ही आसानी के साथ क्या किया, 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 6t खत्म। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा मेथड था कि s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, आप स्लाइड चेंज करें, यानी कि हल्का सा डिफरेंशियल चेंज करें टाइम में, t से t प्लस dt, s से लेके s प्लस डेल्टा s पे जाके बात करें और फिर उसको सॉल्व करें, फिर एवरेज रेट कैलकुलेट करें, फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू लेकर के आपको ds अपॉन dt पता लगा और फिर t की वैल्यू डाल के ये करें। अब कुछ नहीं करना आपको, v इंस्टेंट इक्वल टू ds अपॉन dt सिंपली, यानी कि एवरेज v इक्वल टू ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको d अपॉन dt ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t, इसको डिफरेंशिएट करोगे 6t आंसर खत्म है ना। और ये रूल ने आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प किया, कितना डिफरेंशिएशन का, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें पहला हमने देख लिया क्या था, अगर y का y है x टू दी पावर n, तो dy अपॉन dx बच्चों कितना होगा, n x टू दी पावर n माइनस वन। ओके, ठीक, दूसरा है आपके पास कि अगर मान लो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी, एक्स सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी, तो dy अपॉन dx, साइन का बच्चों डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ये जो टर्म है ना कोएफिशिएंट वो प्रोडक्ट में आ जाए, तो इसका मतलब a इंटू साइन, साइन की जगह मैंने क्या बोला कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, दिया फॉर्मूलास। ठीक, अब इस पे आप प्रॉब्लम देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई प्लस टू है बच्चों, सपोज करो साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो, अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या इसको आप उसी फॉर्मेट पे ले जाओ, वाई प्लस टू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ए इसको आप ऐसे लिख सकते हो वन इंटू एक्स प्लस जीरो, जहां ए की वैल्यू कितनी वन और बी की वैल्यू कितनी जीरो है। ठीक, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वो सिंपल है सर, क्या हो जाएगा, ए प्रोडक्ट में आ जाता है ना, अरे अभी पढ़ा था ना ये ए कॉस, तो ए की जगह वन है, इंटू कॉस वन इंटू कॉस है ना वन एक्स प्लस जीरो, ये बना कितना कॉस एक्स, सो सिंपल। अगर मैं बोलूं मान लो कि वाई इक्वल टू है साइन टू एक्स, और आपसे पूछ रहा हूं मैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, सो सिंपल, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो पहले तो ये देखो आप वाई वाई को वाई क्या दे रखा है सर साइन टू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स प्लस जीरो, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी कंपेयर इससे करो, ए की वैल्यू हो गई दो और बी की वैल्यू हो गई जीरो, तो डीवाई अपॉन डी एक्स अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा ए यानी कि प्रोडक्ट में आ जाएगा यानी कि टू इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी यानी टू एक्स प्लस जीरो, सो फाइनली टर्म्स आउट टू बी टू कॉस टू एक्स। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड रूल हमारा होगा y equals to suppose कर आपको दे रखा है cos ax plus b, तो cos का बच्चों जो होता है differentiation है ना, cos का differentiation होता है minus sign, cos का differentiation minus sign, आपसे पूछ रहा है dy upon dx की वैल्यू बता है। अब this is the rule, it's not problem, it's rule, जिसको मैं ऐसे bracket में बना रहा हूँ ना, ये सारे रूल्स है, दिस इज वॉट वन दिस इज टू एंड दिस वन इज थर्ड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे डीवाई अपॉन डी एक्स अगर आपको लिखना है तो दैट वुड बी व्हाट माइनस ए साइन ए एक्स प्लस, सो दिस इज द रूल। मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपसे कहूँ वाई इक्वल टू सपोज करो दे रखा है आपको कॉस थ्री एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड, इसके लिए वाई दे रखा है तो अगर वाई को ऐसे लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कॉस थ्री एक्स प्लस जीरो, यहां से ए की वैल्यू कितनी थ्री बी की वैल्यू कितनी जीरो, तो डीवाई अपॉन डी एक्स कितना अभी रूल देखा थ्री इंटू कॉस की जगह माइनस साइन, तो माइनस माइनस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस जीरो, सो फाइनली माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। ओके, मैं अगर बोलूं कि वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है सिंपली, किताबों में ऐसे ही लिखा होता है साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बट एक्चुअली ये रूल यहां से रहता है ना, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी, दीज आर एक्चुअल फॉर्मूला, और ये एक्चुअली आपको लिख देता है चूंकि आपको इलेवन क्लास में ये सब चीजें सिंपलेस्ट तरीके से बताने के लिए लिखी जाती है। बच्चों यहाँ से y इक्वल टू cos x है और आपसे कह रहा है dy upon dx कैलकुलेट करना, सो सिंपल अगेन कन्वर्ट इनटू व्हाट cos x plus b फॉर्मेट, तो cos 1 into x plus 0, सो a इज हाउ मच 1 एंड b इक्वल्स टू 0, सो फाइनली dy upon dx would be how much? Cos का माइनस साइन होता है तो माइनस आ गया, और ये जो कोएफिशिएंट है वो प्रोडक्ट में आ गया यानी 1 into cos कितना 1 into x plus 0, इसका मतलब माइनस cos x, तो इसीलिए किताबों में लिख देता है आपको कि sin x का नो सॉरी ये cos की जगह sin है माइनस साइन एक्स, तो इसी तरीके से है ना, और भी ढेर सारे होते हैं। मान लो वाई इक्वल टू है ई का पावर ए एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज नॉट प्रॉब्लम, ये आपका कितना हो गया वन टू और दिस इज थर्ड वन टू थ्री एंड दिस वन इज फोर्थ, वाई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स, इसका सोल्यूशन आएगा ए इंटू ई का पावर ए एक्स, दिस इज फोर्थ रूल, इसी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम देख सकते हो। मान लो वाई इक्वल टू दे रखा है ई का पावर एक्स है, आपसे डीवाई अपॉन डी एक्स पूछ रहा है, तो डीवाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो ई का पावर वन इंटू एक्स, और इसको जो सॉल्व करोगे है ना, इसका मतलब यही हुआ ना, इसको जब आप वाई को ऐसे लिखो वाई इक्वल टू व्हाट ई का पावर वन इंटू एक्स, तो डीवाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये वन इंटू ई का पावर वन इंटू एक्स, इसका मतलब सिंपली ई एक्स। ठीक, मान लो मैं बोलूं कि वाई इक्वल टू है ई इंटू एक्स का क्यूब, ये निकालना
तो डीवाई अपॉन डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है, सो सिंपल, कितना हो जाएगा, जहां टी का पावर एक काम करो थ्री एक्स ले लो, थ्री एक्स कर लो, थ्री एक्स करोगे तो क्या होगा, थ्री आ जाएगा यहाँ और टी थ्री एक्स है ना। मान लो आपको y इक्वल्स टू दे रखा है log ln ln ax plus b, dy upon dx करो, dy upon dx होगा a upon ax plus b। अब इसी पे आप प्रॉब्लम कर ले, y इक्वल्स टू log x है, इसी को मैं ln x लिख रहा हूँ, तो ln x में dy upon dx आपको निकालना है, that would be what, पहले तो इसको आप y को उस फॉर्मेट में लिखो जैसे लिखा हुआ है, y equals to ln 1 into x plus 0, ठीक, तो इसका मतलब dy upon dx होगा बच्चों, वो क्या होगा, 1 upon, है ना, 1 into x plus 0, this is what, 1 upon x, विदाव में लिखा होता है y equals to ln x का कितना होता है, 1 upon x होता है, है ना। उसके बाद आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, पहली प्रॉपर्टी है कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी जीरो, इसका मतलब है अगर आपके पास y इक्वल टू c है, जहां c क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, तो dy अपॉन dx तो होगा दैट विल बी सिंपली जीरो, ठीक। जैसे मान लो दे रखा है y इक्वल टू 2, तो dy अपॉन dx क्या होगा, जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सेकेंड रूल है कि कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से इसको अलग कर लेते हैं और तब डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे y इक्वल्स टू दे रखा है सी इंटू, मान लो कुछ भी सी इंटू एफ एक्स, तो dy अपॉन dx लिखोगे तो c बाहर आ जाए और d अपॉन dx और सिंपली एफ एक्स होता है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो y इक्वल्स टू है 3x स्क्वायर, dy अपॉन dx निकालना, तो d अपॉन dx ऑफ व्हाट, 3x स्क्वायर, क्या करोगे आप इसमें से कांस्टेंट, ये 3, ये 3 4 थोड़ी हो जाएगा, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको अलग कर लोगे, यानी 3 बाहर हो गया, d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का समझ ही रहे हो 2x हो जाएगा, तो 3 into what 2x, this is what 6x, है ना। फिर हम बात करते हैं थर्ड रूल की, थर्ड रूल है बच्चों सम का रूल लिखते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सम, सम और डिफरेंस। मान लो y है आपके पास y1 प्लस माइनस y2, है ना, तो dy अपॉन dx आपको निकालना है, ध्यान रखना y एज ए फंक्शन ऑफ x है, y एज ए फंक्शन ऑफ यहां x है, तो dy अपॉन dx क्या हो, dy1 अपॉन dx प्लस माइनस dy2 अपॉन dx, ये सम रूल है। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं, y इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस x क्यूब है, और dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x और डी एक्स का कितना बच्चों 3x स्क्वायर। आसानी के साथ मान लो और एग्जाम्पल देखो, मान लो y इक्वल टू है ex प्लस साइन एक्स, है ना, तो dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx क्या होगा, ex का डिफरेंशिएशन, अलग अलग पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, पूरा लिख दे रहा हूं, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट साइन एक्स, बच्चों ex का ex होता है और साइन एक्स का क्या होता है cos x का, समझे। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ रूल का, वो है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है बच्चों कि मान लो y इक्वल्स टू है y1 इनटू y2, तो dy अपॉन dx, और ध्यान रखना y1 एंड y2 इज व्हाट फंक्शन ऑफ x, सो इन दैट केस dy अपॉन dx होगा, वो होगा है ना फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। इफ यू चेंज द ऑर्डर देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिफरेंशिएशन, मतलब ये पहले लिख लो ये बाद में लिख लो तो भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, ठीक। अब इससे रिलेटेड मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है मान लो y इक्वल टू है ex sin x, ex into sin x, तो dy upon dx का हो। अब देखो बच्चों ये प्रोडक्ट रूल है क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और ये एक अलग फंक्शन है, सो y इक्वल टू व्हाट y1 into y2, यू हैव टू सेपरेट फंक्शंस ex एंड sin x, तो dy upon dx क्या होगा, क्या लिखा मैंने फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड टर्म इन टू पहले का डिफरेंशिएशन। अब बच्चों देखो ex तो जैसे है वैसे ही है, साइन एक्स का आप जानते हो कॉस एक्स होता है, ठीक, और प्लस साइन एक्स एज इट इज और ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, तो ये आपका है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ना या डिविजन का रूल कह लो। ये कहता है कि मान लो y है आपके पास y1 upon y2, और ध्यान रखना y1 and y2 are function of x, then dy upon dx is first term second term into पहले का differentiation minus first term into second का differentiation अपॉन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखो आप, सेकेंड टर्म इनटू पहले का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि वाई इक्वल्स टू है बच्चों है ना मान लो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का, ठीक, रूल आपके सामने आ, ध्यान दो सेकेंड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, ध्यान दो वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, साइन थीटा एक्स का फंक्शन और एक्स तो एक्स है, तो इसलिए एप्लीकेबल होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर साइन का हो जाता है बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टू एक्स अपॉन ये टू एक्स है अपॉन एक्स का पावर फोर, सो दिस इज व्हाट द डिविजन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, देखो ये सारी की सारी जो है ना आप आगे आओगे तो आपको लगेगी बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, बट चूंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो न्यू कमर हो, ठीक, तो आपके लिए यही जो चीजें हैं यही आपके लिए थोड़ा सा टफ है ना, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और ठीक है, थैंक यू।